बिजनौर के नेशनल हाईवे 34 पर बैराज रोड पर आज उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब जायरीनों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई। हादसे में बस में सवार एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बस से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। दरअसल ये दर्दनाक हादसा बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 बैराज रोड पर सोमवार की सुबह उस वक्त हुआ जब दरगाह आलिया नजफ ए हिंद जोगी रामपुरी रायपुर से एक बस जायरीनों से भरी नजीबाबाद से मुजफ्फरनगर आ रही थी। जैसे ही वो बस बैराज रोड पर पहुंची तभी अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जाकर पलट गई। बस के पलट जाने से बस में सवार जायरीनों से चीख पुकार मच गई। हादसे में लगभग एक दर्जन यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बस से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है। सात लोग आए हैं हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल है। बस पलट गई या तो सर एक्सीडेंट हुआ, कुछ पता नहीं चला अभी। मैं कितने लोग सवार थे? 60 आदमी सवार थे। कहाँ से आई थी बस या कितनी बस आई थी? आप कहाँ पर आई थी? ये यहाँ पे दरगाह में जोगी रामपुरा में। जोगी रामपुरा तो आप मतलब सारी बसें जो है वहाँ से वापसी कर दी? वापस जा रहे थे हम लोग, जा रहे हुए भाई घर पे। तो ये बस पलटी है जी। कितना सवार था आपको? 60। कितने लोग घायल हुए होंगे अभी? इसमें कम से कम 20-22 बंदे घायल हुए, सब लेडीज और जेंट्स। मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि आज दिनांक 1 अप्रैल को थाना कोतवाली नगर में एक बस बिजनौर से मुजफ्फरनगर जा रही थी, तभी बैराज के पहले बस के ड्राइवर का नियंत्रण खो गया जिससे बस खड्डे में गिर गई। इस एक्सीडेंट में 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं तथा 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई चल रही है।